उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी माँ धारी की इतनी मान्यता है कि क्या कहें, पूरे के पूरे उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य माँ धारी को नमन किए बगैर नहीं होता है। तो आइए माँ धारी तक पहुँचने का अप्रोच मार्ग गूगल के सहारे बताने का प्रयास करते हैं। माँ धारी अलकनंदा नदी के मध्य में आपका स्थान है और उस स्थान को अप्रोच करने के लिए आपको जब हरिद्वार से आप बद्रीनाथ मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा स्पॉट है श्रीनगर। श्रीनगर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग से पहले ये माँ धारी का स्थान पड़ेगा। ये मेन रोड पर ही है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आप सीधे माँ धारी की जो भी मंदिर है दिखाई देने लगता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि माँ धारी यहाँ पर रोड है और रोड के नीचे अलकनंदा बह रही हैं। अलकनंदा के बहने के साथ ही साथ माँ धारी का एक मंदिर आपको मध्य धारा के बीच में ऊपर से भी दिखने लगता है। तो आइए माँ धारी को नमन करते हैं और आपको माँ धारी से मिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। बोलिए धारी मात की जय। आइए धारी माता के दर्शन के लिए एक एक पग उनके मंदिर की ओर आगे बढ़ाते हैं। नैसर्गिक छटा चारों तरफ से बिखरी पड़ी है। इस छटा के बीच में माँ धारी का ये मंदिर अलकनंदा के मध्य धारा के बीच में दिख रहा होगा ऊपर से, और इस किनारे से मंदिर तक जाने के लिए बीच में एक पुल बनाया गया है। इस पुल में एक तरफ से जाने का और दूसरी तरफ से आने का रास्ता बना हुआ है। आइए माताजी के मंदिर को देखते हुए माताजी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए धारी माता की जय। धारी माता की मंदिर प्रथम तल पर है। प्रथम तल की ओर हम आगे बढ़ते हैं और माँ अलकनंदा के जल को भी विधि से नमन करते हुए माँ धारी के दर्शनार्थ आगे बढ़ते हैं। धारी मात की जय। धारी माता के मंदिर के समीप ही भगवान शंकर भी विराजमान हैं और मंदिर से बाहर निकलने के बाद उनकी एक धुनी है, उस धुनी को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और धुनी पर एक महाराज जी बैठे थे, उनसे आइए माँ धारी के बारे में कुछ सुनते हैं। हाँ पंडित जी, बताएं जरा धारी माता के बारे में। ये धारी माता इनका नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में आपको बताते हैं। सामने जो गांव देख रहे हैं आप, हाँ हाँ, ये गांव धारी है। अच्छा अच्छा। और धारी गांव द्वापर से है। कहा जाता है कि पांडव लोग यहीं से स्वर्गारोहण के लिए गए, माँ की पूजा अर्चना करके। स्वयंभू मूर्ति ये माँ की है और दक्षिण काली है ये। अच्छा। काली का स्वरूप है, कहते हैं कि काली का अवतार काली मठ काल शिला केदार घाटी में हुआ और यहाँ आते आते असुरों का वध करते करते माँ भोलेनाथ इनको यहाँ पर शांत किया। कल्याणी नाम है इनका। अच्छा। कल्याणी होता है जब काली शांत हो जाती है, तब उनका नाम कल्याणी पड़ जाता है। तो चारों धामों के रक्षक देवी हैं। अच्छा अच्छा। ये इनकी विशेषता ये है कि ये इनकी आपने मूर्ति के ऊपर देखा होगा कि खुला है, छत नहीं है। छत नहीं है। सुबह इनको जो है इनको बारिश भी चाहिए, इनको धूप भी चाहिए, इनको खुला पसंद है। कई हमारे पूर्वजों ने कोशिश की थी नीचे अच्छा मंदिर भव्य मंदिर बनाने की, भक्तों ने भी कोशिश की लेकिन वो छत गिर जाया करती थी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये सब खुला है, ये माँ मनोकामना पूरी करती है सबकी। पहले यहाँ बकरे करते थे, भैंसे करते थे। 1986 में बलि प्रथा बंद हुई, तब से भक्तों से अपील किया इसकी जगह घंटे चढ़ाओ, मनोकामना पूरी होती है, छत्र चढ़ाओ, पूजा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। तब से माँ की सात्विक पूजा होती है। जय माता की। माँ काली कल्याणी के रूप में यहाँ स्थित हैं
और सभी भक्तों के मन के मुराद को पूरी करने वाली हैं। माँ प्रातः कन्या रूप में दर्शन देती हैं, दोपहर में नव यौवना के रूप में दर्शन देती हैं और संध्या काल वृद्धा माँ के रूप में आपका दर्शन होता है। ऐसा भक्तों में ये किंवदंतियाँ हैं कि माँ तीन समय में तीन रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो इस तरह से ये माँ अलकनंदा के मध्य धारा के बीच में धारी माता का मंदिर है। और मंदिर के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, तो चलिए आपसे मंदिर के अन्य बातों को हम शेयर करते हैं। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का माँ धारी के धाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ धारी के बारे में जो कुछ भी मुझे आपसे बातें करनी है वो ये है कि एक समय में यहाँ अलकनंदा नदी में विकराल बाढ़ आया और उस बाढ़ के दौरान माँ धारी का पूरा मंदिर बह गया, साथ में माँ की मूर्ति भी बह गई और बहुत ढूंढने का प्रयास हुआ परंतु माँ की मूर्त नहीं मिली। कुछ दिन के बाद धारी गांव के एक वृद्ध सज्जन के स्वप्न में माँ ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे गांव के समीप एक जो रॉक है, जो पहाड़ का एक टुकड़ा है, उसी के किनारे मैं आपको दर्शन दूंगी, वहां से निकालकर और मुझे फिर उसी स्थान पर तुम स्थापित करने का प्रयास करना। ऐसा कह के माँ ने अपनी स्वप्न के जो ये दृष्टांत था उसको समाप्त कर दिया और वह व्यक्ति अचानक उठा और उठने के साथ ही साथ प्रातः काल था, जैसे ही भोर हुआ और वो उस रॉक के नज़दीक गया, वहाँ क्या देखता है कि माँ धारी वहाँ उसको दिख रही हैं। और उसने बड़े प्यार से माँ धारी को वहाँ से निकाला, गांव वालों को बुलाया और बुला के माँ के स्वप्न के बारे में उन्होंने बताया। बताने के साथ ही साथ आगे ये हुआ कि आज का ये जो मंदिर है यहीं पे है और इस मंदिर में, चूँकि वो ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर था, उसको फर्स्ट फ्लोर पर ऊंचा करके लाने का एक प्रयास किया गया और माँ धारी के इस स्थान को शिफ्ट करने का भी एक प्रयास प्रशासन ने किया था और उसका खामियाजा ये हुआ कि केदारनाथ का जबरदस्त बाढ़ आया और ऐसा माना गया कि माँ धारी के कोप के वजह से वो बाढ़ आई और उस आपदा को दूर करने के लिए प्रशासन ने माँ धारी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और आज का जो मंदिर है वो ऊपर करके बनाया हुआ मंदिर है और वो उसी स्थान पर है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी और माँ के बारे में लोग बताते हैं कि प्रातःकाल माँ छोटे बच्चे के रूप में दर्शन देती हैं भक्तों को, दोपहर में यौवना के रूप में दर्शन देती हैं और संध्या काल में माँ का दर्शन वृद्धा के रूप में होता है। और हमारे श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार 108 शक्ति पीठ में माँ धारी का भी स्थान आता है। यहाँ पर ऐसी किंवदंतियाँ हैं और श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि सती की आंखें यहाँ गिरी थीं, ऐसी मान्यता है। तो माँ यहाँ अघोर भैरव के साथ यहाँ पर धारी रूप में विराजमान हैं। तो बोलिए धारी मात की जय। धारी देवी मंदिर वाकई में उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी माँ धारी को समर्पित है। आप दक्षिण काली के रूप में यहाँ विराजमान हैं। अभी आपने माँ काली का दर्शन किया जो धारी गांव के नाम पर माँ धारी के नाम से, धारी देवी के नाम से विख्यात हुई हैं। और जब इनके प्रतिमा को शिफ्ट करने का नंबर आया तो बहुत बड़ा प्रलय उत्तराखंड में आया जिसे फिर शिफ्ट नहीं किया जा सका और इनको इसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया गया माँ धारी को। तो बोलिए धारी मात की जय।